तक पहुंच जाता है और वो फरीद खा जाता है। इस वास्ते हम कहते हैं कि सावत पर पाबंदे ना महीना मंजूर ना महीना, कैमरे पर पाबंदे ना महीना, कलम पे पाबंदे ना महीना, कर्फ्यू शर्फ्यू ना मंजूर। हम क्या चाहते हैं? आजाद प्रेस। हम क्या चाहते हैं? आजाद प्रेस। हम क्या चाहते हैं? आजाद प्रेस। और याद रखिए, अगर मैं किसी मजलूम के हक में नहीं बोलूंगा तो सारे जालिम मिलके मजलूम की आवाजों को दबा देंगे। इससे पहले कि कोई जालिम, कोई जाबर, कोई काबज, कोई कर्फ्यू मास्टर, कोई फौजी मेरा गला पकड़े, हमें चाहिए कि हम सारे इकट्ठे हो जाए। बाहर में जो लोग तकलीफ होती है तो वो चीखता है, बोलता है, रोता है, और उसके चीखने बोलने से जब स्टेटस को के बेनिफिशरीज को तक आज साथियों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है, कल यही बारी दीगर लोगों की भी आएगी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान है। गुजारिश है खुदारा जागे, जिस तरह आज साफी बाहर निकले किसी तरह आजाद कश्मीर से दालकूम मुजफ्फराबाद से हजारों लाखों लोग बाहर निकले ताकि भर में जहाँ कहीं हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले मौजूद हैं और जो इस कलम के सुनने से दाखिल करते हैं, कोई लाजमी नहीं कि वो मुसलमान हो, वो इंसानियत का दर्द अपने दिलो दिमाग में महसूस करते हैं। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह साथियों पर, आम लोगों पर जिंदगी अस्थाई हयात तंग कर दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम लोग ख्वाब गफलत का शिकार हैं, हम लोग आखिरी हकों को छू रहे हैं, बेहिसी है, हमें किसी का कौन आसी है, कौन गल कर सी है। इंडिया गो बैक, वी वांट फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, गो इंडिया गो बैक फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नामंजूर।